क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको उस संत के बारे में बताऊंगा जिनके प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर इलाकों से और दूर देशों से आते थे। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 21 जुलाई को संपूर्ण कलीसिया ब्रिंडिस के संत लॉरेंस का पर्व मनाती है। अपनी बाल्य अवस्था से ही वे बहुत अधिक बुद्धिमान थे और प्रभु के कार्यों को करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने कैपुचिन संस्था में विंसी में दाखिला लिया और उन्होंने अपना नाम ब्रदर लॉरेंस रखा और उसके बाद सब लोग उन्हें ब्रदर लॉरेंस करके पुकारने लगे। संत लॉरेंस के प्रवचन दुखों के बहुत ही सुंदर थे। लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए उन्हें जगह जगह बुलाते थे। पूरे इटली में उनका नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध हो चुका था। साथ ही साथ अन्य देश के लोग भी उन्हें बुलाने लगे थे। उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी क्योंकि वे लोगों के दिन प्रतिदिन के व्यवहारिक बातों को उन्हें बहुत ही उचित ढंग से समझाते थे। वे उनके आंतरिक तथा आध्यात्मिक बातों को बखूबी उन्हें समझाने की और उसे महसूस करने की वे उन्हें आशीष प्रदान करते थे। उनके प्रवचनों को सुनते हुए संत पिता क्लेमेंट 8वें ने उन्हें रोम में बुलाया ताकि वे कई लोगों को प्रवचन दे और उन्हें क्रिस्तीय मूल्यों को समझाएं ताकि वे फिर से क्रिस्तीय विश्वास में आगे आ सके। उनके प्रवचनों को सुनते हुए कई लोग जो भटक चुके थे वे वापस से ख्रिस्त धर्म को अपनाने लगे थे। 1602 में उन्हें कैपुचिन संस्था का जनरल बनाया गया। जब उन्हें 3 साल बाद पुनः जनरल बनाने की कोशिश की गई तो उन्होंने इनकार कर दिया वे क्योंकि प्रभु में अपना जीवन पूर्ण रूप से बिताना पसंद करते थे। 1571 में जब तुर्किश की सेना समुद्री रास्तों पर अपना दबदबा बनाए हुई थी उसी समय 1595 में मोहम्मद तृतीय ने हंगरी का बहुत बड़ा भाग हासिल कर लिया था। जब संत लॉरेंस को यह बात पता चली तो वे तुर्की के सेना के सभी सैनिकों का हौसला वर्धन करने के लिए निकल पड़े और उन्होंने उनका हौसला वर्धन किया। वहां पर उनको सुनने के लिए 18,000 सैनिक उनके सामने खड़े हुए थे और उनको सुनकर उनका जोश बहुत ही अधिक प्रबल हो गया और उन्होंने 80,000 से ज़्यादा सैनिकों पर चढ़ाई करी और अपने राज्य को वापस हासिल कर लिया। संत लॉरेंस की मृत्यु 60 वर्ष की उम्र में हुई। संत पिता लियो 13वें ने उन्हें 8 दिसंबर 1881 में संत घोषित किया। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से संत लॉरेंस के माध्यम से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को प्रार्थनामय बनाए ताकि हम अधिक से अधिक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें।